हेलो एंड गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग। तो मैं हमेश और आप देख रहे हैं जो व्लॉग। सो गाइस, आज तुम्हारी 18 अगस्त 2022 और अभी सुबह के बजे ठीक 6:40। तो फिलहाल मैं नहा धो के रेडी हो चुका हूँ और वीडियो मैंने अपलोड कर दिए कल, जैसे हम सेक्टर 1 गए थे चंडीगढ़ पंचकूला में, अपना गवर्नमेंट जो कॉलेज है। तो लगाते एक छोटा सा इंट्रो करते वीडियो को स्टार्ट इंट्रो के बाद। तो फिलहाल ट्यूशन से घर आ चुका हूँ। तो अभी सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बधाई देना चाहूँगा जन्माष्टमी की। तो आप सबको जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो अभी सबसे पहले कल भी दोपहर में भी नहीं सो पाया था मैं, क्योंकि जल्दी उठा दिया इन्होंने, तो नींद पूरी नहीं थी। और रात को भी फिर मच्छरों ने इतना ज़्यादा परेशान कर दिया कि रात को भी नींद पूरी नहीं हुई थी। तो अभी मैं सोने के लिए एकदम अच्छी तरह से तैयार हो चुका हूँ। अभी 10 भी नहीं बजे, अच्छी तरह से 9:30 हो गए। अब जाऊँगा थोड़ा सा दूध वगैरह पी के सो जाते हैं। सो गाइस, तो फिलहाल बच्चे के शाम के पूरे 6 और अभी हम लोग घर से बाहर निकल चुके हैं। तो फिलहाल अभी आसपास तो कोई है नहीं, और क्योंकि अरुण भी गया होगा सेंटर और ट्यूशन गया होगा, तो 6:30 बजे के आसपास आएगा। तो फिलहाल देखते हैं फिर कोई होगा कि नहीं होगा। आज देते हैं, पहले इसमें पानी देते हैं। इतनी मेहनत से जो हमने यहाँ पे अपना पौधा लगाया था, इसको ऊपर से तो पता नहीं किसी ने नोच खाया था थोड़ा सा यहाँ पर, एकदम यहाँ से नोक से, पर अब फिर भी इसमें पत्ते लग चुके हैं बहुत सारे। तो फिलहाल इसको पानी देते हैं, होप सो कि हो जाएगा अच्छी तरह से। देते हैं फिर थोड़ा सा और ले 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 ले। अभी ना ये घास है ना यहाँ पे, तो इस कारण ये इतना छोटा सा पौधा किसी को दिखाई नहीं दे रहा। अगर ये किसी की नज़रों में आ गया ना, ये छोटे छोटे से बच्चे वगैरह हैं वो खाड़ के ले जाएंगे ऐसा कुछ। देखते हैं फिर। चलिए, हमारा ये मनी प्लांट है ये भी बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका था, अभी थोड़ा थोड़ा लग रहा है। ये पता नहीं इसको कोई कीड़ा खा रहा है यहाँ से ना, जो पत्ते इसके कट रहे हैं कोई कीड़ा वगैरह खा रहा है इसे। फिलहाल गुलाब का फूल भी हमारा एकदम मस्त लग रहा है। और आजकल थोड़ा ये देखिए, ये मेरी सबसे बेकार जिस सब्ज़ी लगती है मेरे को करेले की, पर फ़ायदा उसके बहुत ज़्यादा होते हैं। मैं आप लोगों को यही कहूँगा, खाओ, भले ही मैं ना खाता हूँ, कभी कभी खा लेता हूँ, मतलब थोड़ी बहुत ही। फूल भी लग रहा है इसमें, अब होगा तो एक दिन फिर करेले की सब्ज़ी बनेगी इसकी। और ये अपना पुदीना। सो गाइस, तो फिलहाल अभी चलते हैं थोड़ा मंदिर की साइड, देखते हैं कोई आ गया हो तो नहीं आया कि पता नहीं। अभी 6:10 हो चुके हैं, तो होप सो भी कोई हो, वरना वैसे लग रहा नहीं है क्योंकि एक्टिवा भी निकल रही है अरुण की। चलते फिर। सो गाइस, फिलहाल अभी हम लोग जा रहे हैं अरुण को लेने के लिए, वो उसकी ट्यूशन से छुट्टी हो चुकी है, तो अभी बेचारा पैदल आएगा। इससे अच्छा मैं और कमल जा रहे हैं फिर लेने के लिए, लेके आते हैं। देखिए इस भुक्कड़ इंसान को, सड़क पर तो खाना छोड़ दे कम से कम, बैठा। आज अरुण दिखा रहा है अपनी बॉडी हमें, अच्छे मारूंगा क्या आयो। हाँ दोस्तों के पीछे चले जा, जा जा पीछे चले जा। तो यार तू कहीं चल रहा है, यहाँ खड़ा है पता, तो चल फिर। अभी तो आया लाइन पे। सो गाइस, थोड़ा बहुत हम लोग घूम चुके थे और उसके बाद आज थकान सी हो रही है, पता नहीं क्यों किस कारण से। और ये फिर आज भी फोन चला रहे हैं। हाँ क्या हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, एक गुलशन। पार्ले जी बॉय, ऐसे मत झाको। ये क्या, ये क्या यहाँ पे लंगर बन रहा? रुको रुको, पत्तल लो जी, लो लो लो, पकड़ो ले ले। योगेश तूने को अपने ने उसके डाला है, पकड़ क्या ये तो हंसराज। कड़ी छोड़, रुक जा कड़ी, ले हाथ में ले ले चल। सो गाइस, फिर आज का व्लॉग बनाते ना मेरे को ये रियलाइज़ हुआ कि हम लोग बहुत ज़्यादा आलसी हो चुके हैं। हम लोग नहीं, मैं बहुत ज़्यादा आलसी हो चुका हूँ, क्योंकि आज सुबह 9 बजे जैसे मैं आया था, मैंने तब बताया था सोऊंगा, और तब से मैं सोया था। दोपहर के 1:30 बजे उठा था, और उसके बाद थोड़े फल वगैरह खाए थे मैंने, केले वगैरह। तो उसके बाद फिर मतलब पढ़ गया था पढ़ के, वो मतलब वीडियो वगैरह देख रहा था, ऐसे कुछ यूट्यूब वगैरह चला रहा था मतलब, और फिर मतलब पढ़ाई था सारा दिन। आज पढ़ने के बाद भी ना, अभी भी ना पता नहीं क्या आलस आ रहा है, अभी भी आलस आ रहा है, मतलब अभी भी सोने का मन कर रहा है। ये वो है, मतलब यार अपने शरीर को ऐसे वो कर लिया ना हमने, मतलब कुछ भी अपने शरीर पे कंट्रोल नहीं रह गया हमारा, तो इसको कंट्रोल को दोबारा वापस लेके आना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा काम चलेगा नहीं। और आजकल सुबह भी फिर नींद अच्छी तरह से जल्दी खुल नहीं पाती है। आज भी मैंने 4:30 का अलार्म लगाया था, अलार्म का पता ही नहीं चलता कि बज गया कि नहीं बजा, 5:00 ऐसे नींद खुलती है। उसके बाद फिर वीडियो एडिट उडिट, अगर कल रह गई थी मेरी एडिट नहीं हुई थी, क्योंकि वो अपना लाइट चली जाती है तो इसलिए चार्ज वगैरह होता नहीं इसमें फ़ोन वगैरह में। तो फिलहाल अभी चलते हैं, घूमते हैं थोड़ी देर। और आज जैसे कि हमने व्रत रखा था ना, जन्माष्टमी का व्रत रखा हुआ था मैंने, तो अभी रात को खोलेंगे आराम से, मम्मी बना रहे होंगे अंदर खाना वगैरह। अंदर जाना अभी रिस्क तो खाली नहीं, कि मुस्क अगर ना अगर हमें भूख लग रही हो और खाना हमें पता हो कि भाई घर जाने के बाद मिलेगा या इतने टाइम पर मिलेगा, तब तक तो हम
कुछ ना कुछ करके, मतलब जब पता ही है नहीं खाना, मुँह में पानी आने लग गया, जब पता ही हमें खाना है ही नहीं, तो फिर हम उसको थोड़ा बहुत कंट्रोल वगैरह कर सकते कि भाई खाना नहीं है, इस टाइम पे मिलेगा, तब तक कंट्रोल कर लो। तो पर अगर अभी जैसे अंदर खाना बन रहा है तो भाई फिर कंट्रोल रह नहीं पाएगा अपने आप पे, इसलिए अभी घर के अंदर जाना मुनासिब नहीं है मेरे हिसाब से, अच्छा नहीं, ठीक नहीं रहेगा। तो फिलहाल अभी चलते हैं, ये लोग अपना यार फ़ोन ही चला रहे हैं, इनको काम ही नहीं यार, थोड़ा बहुत घूम फिर लेते हैं, ठंडी ठंडी हवा खाते हैं। चलिए गाइस, बेशर्मी की भी कुछ हदें होती हैं जो इन्होंने बिल्कुल पूरी तरह से पार कर चुके हैं। और मतलब अभी वो चिमकांटी तो चला गया यहाँ से पार ले जी भाई, उसने देख लिया था कैमरा, इन्होंने देखा नहीं है, आराम से कैसे फ़ोन के अंदर घुसे हैं, देखिए ये देखिए। सो गाइस, फिलहाल हो चुके शाम के पूरे पूरे 9, तो फिलहाल 9 नहीं, अभी तो 10 बजने वाले हो गए, बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है। खाना वगैरह हम लोग खा चुके हैं, व्रत तोड़ चुके हैं, तो थोड़ी बहुत पहले पूजा वगैरह की थी, उसके बाद व्रत तोड़ लिया। तो आई होप कि आपने आज का लोग बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया होगा। तो अभी तो नींद सी आ रही है, मतलब वो पता नहीं क्या अजीब सा, मतलब आलस मैंने आपको बताया था वो ऐसा सही हो रहा है, तो जाके मुझे लग रहा है थोड़ा बुखार वगैरह ऐसा कुछ, तो थोड़ी गोली वगैरह खा के सो जाता हूँ। तो मिलते रहे, जय हिंद जय भारत।